बेसिकली रेखा जी ने बुलाया और मैं चली आई, और इतना अच्छा कॉज है. दे आर बेसिकली फेलिसिटेटिंग गर्ल्स एंड उन्हें आदर दिया दिया जलाने से लेकर सब कुछ, इतनी इज्जत दी. और थैंक यू सो मच फॉर इट, एंड इट्स सच अ प्लेजर जब आप किसी ऐसे इवेंट में जाते हैं जहाँ लड़कियों या औरतों को, जो एक 50% आबादी का हिस्सा है, आधा आबादी उन्हीं की, उसको सम्मानित किया जाता है. कुमार गौतम और रेखा जी ने मिलकर ये सब किया है. प्रमोद जी, यस, प्रमोद जी कुमार से तो मैं मिली, कुमार गौतम से, और रेखा जी को भी मैं पहले से जानती हूँ. सो इट्स सच अ नाइस थिंग कि मैं उसका एक छोटा सा पार्ट बनी. और अगर मेरे कुछ भी दो शब्द किसी के दिल को लगे हों और उनकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क उससे पड़े, तो मुझे लगता है मेरा एक कलाकार होना जो है वो सफल हो गया. महिला दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आज? जस्ट वॉन्ट टू से दैट एवरी डे इज़ अ वीमेन वर्ल्ड, एवरी डे इज़ अ वीमेन डे. ये जीवन चलता ही औरत से है, औरत ही जन्म देती है, और मुझे लगता है जन्म के साथ ही ये चक्र जो है जीवन का ये शुरू होता है. सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट वीमेन, वाई दैट वन डे. बट हाँ, वो एक स्पेशल डे हो जाता है जिस दिन हम याद करते हैं कि अच्छा आज भी मना लेते हैं. सो हैप्पी वीमेंस डे टू एवरी वीमेन एंड ऑल द मैन हु आर पार्ट ऑफ वी मैन. अभी फिलहाल मैं मधुर सर की फिल्म कर रही हूँ, बबली बाउंसर, जिसमें तमन्ना भाटिया उसका टाइटल रोल कर रही हैं, और एक आने वाली फिल्म है, लेकिन जब तक वो साइन नहीं हो जाएगी मैं बताना नहीं चाहती. इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, बट बबली बाउंसर इज़ गोइंग ऑन. और एक मैं वेब शो भी कर रही हूँ, द नाइट मैनेजर, उसकी शूट भी जो है फिलहाल चल रही है. रेखा जी से एक टाइटल ट्रैक गवाना चाहेंगे. रेखा जी क्या कहना चाहेंगे, एक लाइन का, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा. नमस्कार, इसी में आप हमारे बीच में आते रहते हैं, आपकी मुलाकात. अरे बस आप निकल रहे हो, मैं को कहीं पहुंचना है, मैं कहीं से होके आ रही हूं. क्या कहना चाहेंगे साथ में आप जी, क्या कहना चाहेंगे आज गोल्डन गर्ल अवार्ड के बारे में बात करें? आप सोशल कॉज में पहुंचे रहते हैं. जी, ये अच्छा है कि ये इस तरह से हम अवार्ड जब किसी को देते हैं तो उसको प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और फिर उसको और काम करने की ज़्यादा ललक होती है कि नहीं, मेरे काम को कहीं कहीं रिकग्नाइजेशन मिल रहा है तो मैं इससे बेहतर करूँ. क्योंकि खूब से बढ़िया, बढ़िया से बेहतर कर, और दरिया अगर मेरे मिल जाए तो समंदर तलाश कर. वही बात है, तो वही हम करने की कोशिश करते हैं. मैं बालिका मधु में गा चुकी हूँ, मैं दो लाइन उसका सुनाऊंगी. और मैं लकी हूँ आप जैसे सम्मानित लोग मेरे कार्यक्रम में पधारे हैं. आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. मैं दो लाइन गाऊंगी. बालाजी टेल फिल्म्स में इतने सीरियल ही कर रही, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनकी, तो आज मैं बहुत खुश हूँ. मैंने बालाजी सीरियल के लिए भी एकता कपूर के लिए टाइटल सॉन्ग भी गाया था, और बालिका मधु का मैं दो लाइन सुनाऊंगी. छोटी सी उम्र पर नहीं हो बाबू सा कियो थारो काई मैं कसूर हो इतना दिन तो मासू लाड डडाया क्यों करो सामान इवड़े बस. मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए वो फोक का जो फ्लेवर था वो मेरे लिए प्लस पॉइंट बना. मुझे बॉलीवुड में काफ़ी गाने मिले, हीरोज़ फिल्म में, सलमान खान की फिल्म में मैं गा चुकी हूँ, भेजा फ्राई 2, और काफ़ी सारे सीरियल्स के टाइटल ट्रैक्स गा चुकी हूँ मैं. तो मैं आप सबको वुमेंस डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. हमारी प्यारी प्यारी महिलाएं आज हमारे साथ में हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं. मंजू जी मेरे को बहुत प्यार करती हैं, मैं जब भी उन्हें आमंत्रित करती हूँ ज़रूर आती हैं, और सुप्रिया जी की भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. आप आए मेरे एक निमंत्रण पर, थैंक यू सो मच. हमारी सेलिब्रिटी है, थैंक यू. मैं बस भाग रही हूँ अब मैम ले लीजिए आप प्लीज सेंटर स्टेज. थैंक यू सो मच. रेखा जी क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? ये गोल्डन गर्ल अवार्ड है, और कुमार गौतम जो मेरे मित्र हैं, मेरे शहर से ही हैं, मैं कोटा राजस्थान से, वो भी कोटा से हैं, तो फर्स्ट टाइम बॉम्बे में गोल्डन गर्ल अवार्ड शो आयोजित कर रहे हैं, और हम सब मिलकर के ये अवार्ड शो कर रहे हैं. तो हमारे जितने भी गेस्ट हैं आज यहाँ पधारे हैं, मैं सबका बहुत वेलकम करती हूँ. आपके साथ में कितने दिन से प्लान था ये सब जो मिलकर किया, आज ये सक्सेस अवार्ड जो हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है?
कुमार जी आप कितने लोगों हाँ, ने किया? कुमार और मैंने काफ़ी साथ में काम किया है, वो हमारे राजस्थान के स्टार हैं, एक्टर हैं और मैं सिंगर हूँ, तो हमने साथ में काफ़ी गाने किए और दो गाने अभी और आने वाले हैं हमारे, एक होली का गीत आने वाला है, एक रोमांटिक सॉन्ग आने वाला है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आप पहुंचे थे आज अवार्ड में? मुझे कह रहे हैं, अच्छा मुझे लगा आप इनसे कह रहे हो। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और कहते हैं ना कि गांव की मिट्टी का संबंध होता है, तो ये भी राजस्थान से हैं, मैं भी राजस्थान से हूँ, तो यहाँ आकर मुझे और ज़्यादा खुशी मिल रही है कि हम राजस्थान निवासी, ये देश कटीली झाड़ी का, करनाल धारिणी नारी का, हम तो आंधी में जन्मे, तूफानों में पलने वाले, कांटों की रोटी खा खा कर रिपू दल को दलने वाले, हम राजस्थान निवासी, तो हमें अपने राजस्थान पर गर्व है। राजस्थान हमारी जन्मभूमि है, तो महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है, वीर शिवा और वीर महाराणा प्रताप के हम संतानें हैं, तो इस बात का हमें बहुत गर्व है। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं और कवित्री हैं, तो इनके मुंह से जो भी शब्द रचना निकलती है कमाल।